हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केएल पॉलिटेक्निक पर। बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हो कि केएल पॉलिटेक्निक मल्हनी जौनपुर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप अपने अपने सब्जेक्ट की वीडियो यहां से आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ अपनी CMED की क्लास को लेकर। दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने CMED के भाग 3 का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम उद्यम तथा उद्यमिता है। उद्यम तथा उद्यमिता को इंग्लिश में हम लोग एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में आपको उद्यम क्या है, उद्यमी क्या होता है, उद्यमियता क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया था। दोस्तों एक बार फिर हम उसको रिवीजन कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी। आप उद्यम, उद्यमी और उद्यमियता को आप एग्जांपल के द्वारा इस तरह जान सकते हैं कि जैसे मसलन कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो बिजनेस कोई भी चीज़ का हो, किसी भी क्षेत्र में कोई भी बिजनेस हो। जैसे मसलन आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप उद्यमी कहलाएंगे। जो बिजनेस है वो उद्यम कहलाएगा, और आपके बीच और आपके बिजनेस के बीच जो संबंध होता है वही उद्यमियता कहलाता है। मतलब कि बिजनेस आपका क्या होगा, उद्यम होगा, इंग्लिश में बोले तो एंटरप्राइज होगा, और जो बिजनेस को कर रहा है वो क्या कहलाएगा, उद्यमी कहलाएगा हिंदी में, इंग्लिश में उसे हम लोग बोलेंगे एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं। और जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस और बिजनेस करने वाला व्यक्ति, इन दोनों के बीच का जो संबंध है वही उद्यमियता कहलाता है। इसे इंग्लिश में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज हम इस लेक्चर में उद्यमियों का विस्तृत वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। इसे इंग्लिश में हम लोग वाइड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसे हम निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला हमने वर्गीकृत किया है शिक्षा के अनुसार। जाहिर सी बात है शिक्षा के अनुसार भी आपके उद्यमी आते हैं, मतलब बिजनेसमैन तो आपके चाहे शिक्षित व्यक्ति हो चाहे अशिक्षित व्यक्ति हो, मतलब शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई भी बिजनेस चाहे वह जाहिल हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, दोनों ही बिजनेस कर सकता है, वो सक्षम है। तो हम शिक्षा के अनुसार हमने उद्यमी को दो भागों में बांटा है। पहला भाग हमारा है शिक्षित उद्यमी और दूसरा भाग हमारा है अशिक्षित उद्यमी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है शिक्षा के प्रकृति के अनुसार। बिल्कुल सही बात है, आपकी शिक्षाएं भी कई टाइप्स की होती हैं, ठीक है। जैसा आप लोग जानते हो कि आप लोग तकनीकी शिक्षा का अध्ययन कर रहे हो, तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। तकनीकी उद्यम, इसे दो पार्टों पार्ट में बांटा गया है, तकनीकी उद्यमी और गैर तकनीकी उद्यमी, ठीक है। तकनीकी उद्यमी और गैर तकनीकी उद्यमी से आप क्या समझेंगे दोस्तों, तकनीकी उद्यमी जैसे डिग्रीधारी उद्यमी, एक हम एग्जांपल के रूप में अगर ले लें कि बीटेक वाला जो होता है वो डिग्रीधारी उद्यमी कहलाएगा अगर वो कोई बिजनेस करता है। उसी तरह डिप्लोमाधारी, पॉलिटेक्निक बंदे जो कर रहे हैं डिप्लोमा कर रहे हैं, वो डिप्लोमाधारी उद्यमी कहलाएंगे अगर कोई बिजनेस करते हैं। और तीसरा है आपका ट्रेड सर्टिफिकेट धारी उद्यमी। ट्रेड सर्टिफिकेट धारी उद्यमी में कौन से उद्यमी आएंगे, मतलब जो ITI बंदे करते हैं, वह अगर वो कोई बिजनेस करते हैं तो वह कौन से उद्यमी होंगे, ट्रेड सर्टिफिकेट धारी उद्यमी, ठीक है दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे, गैर तकनीकी उद्यमी, मतलब जो नॉन टेक्निकल बंदा होगा। अभी हम ऊपर जो बात कर रहे थे वो टेक्निकल बंदों की बात कर रहे थे, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि गैर तकनीकी उद्यमी, स्नातक उद्यमी,
नॉन टेक्निकल वाला बंदा अगर कोई बिजनेस करता है तो वो आपका कौन सा उद्यमी कहलाएगा? गैर तकनीकी उद्यमी कहलाएगा। जैसे आप जानते हो बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सब किस में आते हैं? स्नातक आता है, ये टेक्निकल डिग्री के अंतर्गत नहीं आता है, ये नॉन टेक्निकल डिग्री के अंतर्गत आता है। इसलिए हम अगर ये कोई बिजनेस करते हैं बीए, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, तो ये आपके उद्यमी जो कहलाएंगे ये स्नातक उद्यमी कहलाएंगे। गैर स्नातक उद्यमी क्या होते हैं? जो स्नातक न किया हो, ठीक है, जैसे यूजी, ये मतलब ये क्या है, स्नातक है आपका अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, उसके नीचे आपका जो इंटरमीडिएट तक बच्चे पढ़ते हैं तो वो स्नातक उद्यमी नहीं होते हैं, वो गैर स्नातक उद्यमी कहलाएंगे। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम लोग, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा टेक्निकल इंटरप्रेन्योर और नॉन टेक्निकल इंटरप्रेन्योर के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर दोस्तों आप जानते हो कि हमारे जो जनता है वह गांव में भी निवास करती है, शहर में भी निवास करती है। तो जो गांव में बंदे बिजनेस करते हैं उन्हें हम लोग ग्रामीण उद्यमी कहते हैं, और जो शहर में बिजनेस करते हैं उसे हम लोग शहरी उद्यमी के नाम से जानते हैं। यानी कि क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, शहरी उद्यमी और ग्रामीण उद्यमी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जाति या वर्ग के अनुसार वर्गीकरण ऐसा किया गया है। जाति के अनुसार आप जानते हो कि हमारे यहाँ जातियाँ निवास करती हैं जिसकी कैटेगरी डिवाइड की गई है, सामान्य जाति उद्यमी, सामान्य, पिछड़ी, अनुसूचित, यानी कि तीन जातियों में यहाँ बताया गया है आपको। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के होंगे वो सामान्य जाति के उद्यमी कहलाएंगे, जो ओबीसी मतलब पिछड़ी जाति के उद्यमी होंगे अगर व्यवसाय करते हैं, अगर वो पिछड़ी जाति के उद्यमी हैं तो वह पिछड़ी जाति के उद्यमी कहलाएंगे। अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति है और वो कोई बिजनेस करता है तो वह अनुसूचित जाति उद्यमी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ेंगे, विकलांगता के अनुसार वर्गीकरण। विकलांगता क्या है? विकलांग अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई विकलांग है, अगर वो कोई बिजनेस करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विकलांग उद्यमी बोलेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अविकलांग उद्यमी, जो विकलांग ना हो, ठीक है, अगर वो कोई बिजनेस करता है तो वह अविकलांग उद्यमी कहलाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, रोजगार के अनुसार वर्गीकरण। रोजगार के अनुसार वर्गीकरण हम लोग कितने भागों में करेंगे? रोजगार के अनुसार हम लोग वर्गीकरण निम्नलिखित भागों में करते हैं। सबसे पहला है आपका रोजगारी उद्यमी, नंबर दो नौकरी वाला उद्यमी, नंबर तीन है आपका बेरोजगारी उद्यमी, नंबर चार है अवकाश प्राप्त उद्यमी, नंबर पांच है भूतपूर्व सैनिक उद्यमी, और नंबर छह है समाज सेवी उद्यमी। आप भूतपूर्व सैनिक उद्यमी क्या है, मतलब जो बंदे मतलब जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, मतलब जो सैनिक की मतलब देश की सेवा करने के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो अगर कोई बिजनेस डालते हैं तो वो हमारे भूतपूर्व सैनिक उद्यमी कहलाते हैं। उसके ऊपर है अवकाश प्राप्त उद्यमी। अवकाश प्राप्त उद्यमी में क्या आएंगे? ये वे बिजनेसमैन आएंगे जो किसी संस्था में, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते करने के बाद रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद अगर कोई बिजनेस ये डालते हैं तो ये अवकाश प्राप्त उद्यमी कहलाते हैं। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, नागरिकता या प्रदेश के अनुसार वर्गीकरण। नागरिकता या प्रदेश के अनुसार भी वर्गीकृत किया जाता है इसे उद्यमी को। पहला है आपका स्वदेशी उद्यमी। स्वदेशी मतलब जो हमारे भारत देश में जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस करते हैं प्रदेश स्तर पर, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोग बिजनेसमैन करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, मतलब अलग अलग प्रदेशों के जो बिजनेसमैन हैं वो अपना अलग अलग बिजनेस करते हैं, तो वो जो बिजनेस करते हैं वो हमारे प्रदेश के अनुसार उन्हें बांटा गया है उद्यमी के रूप में। कुछ उद्यमियों को हमने यहाँ पे जिक्र किया है, जैसे गुजराती उद्यमी, मतलब जो गुजरात के व्यक्ति हैं अगर वो कोई बिजनेस करते हैं तो वह गुजराती उद्यमी कहलाते हैं, और कोई पंजाब का व्यक्ति है अगर पंजाबी कोई बिजनेस करता है तो वह पंजाबी उद्यमी कहलाएगा। इसी तरह बंगाल का कोई व्यक्ति है और वो अगर कोई बिजनेस करता है तो वह बंगाली उद्यमी कहलाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो कश्मीरी उद्यमी, अगर कोई कश्मीर का बंदा है, वो कश्मीर कोई कश्मीरी बंदा है तो अगर वो बिजनेस करता है तो उसे कश्मीरी उद्यमी कहते हैं। इसी तरह विदेशी उद्यमी के अंतर्गत मतलब फॉरेन, फॉरेन में जैसे जापान, चीन, ये अलग देश है, ठीक है, मतलब भारत देश से हटकर, मतलब भारत देश के बाहर जो देश व्यापार करते हैं,
और हमारे देश में बेचे जाते हैं उनके सामान, और वो आके यहाँ पे अपना उद्योग धंधा चलाते हैं। तो ऐसे उद्यमियों को हम विदेशी उद्यमी उद्यमी के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे जापान के व्यक्ति अगर कोई बिजनेस कर रहा है जापानी, तो उसे जापानी उद्यमी, चीन का है तो चीनी उद्यमी, नेपाल का है तो नेपाली उद्यमी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो में कोई भी डाउट्स है, किसी भी टॉपिक को लेकर ना समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।